ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अंदर जो है अपन ने साइट क्लियरेंस वाला काम जो है वो पूरा किया था। ठीक है, अब उसके बाद अपने को एक्सकेवेशन वाला वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सकेवेशन के अंदर क्या होगा, आपको जो है सबसे पहले जो है ड्राइंग चाहिए होगी। ठीक है, ऑटोकैड के अंदर बनी हुई ड्राइंग आपको मिल जाएगी, जो हो सकता है आपने बनाई हो सकता है कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बनाई हो, ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको अगर कोई टेंडर ले रहे हो तो वो ड्राइंग्स आपको प्रोवाइड की हो। ठीक है, और इस वाला जो अपने जो एग्जांपल लिया है इसके अंदर दो तरह की फुटिंग्स हैं, एक F1 है एक F2 है। ठीक है, क्या नहीं, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? ठीक है, अब अपना जो प्लॉट था 60 फिट बाय 40 फिट का, ठीक है, मीटर के अंदर अपन ने इसको लास्ट क्लासेस में कन्वर्ट करके बता दिया था, 18.3 मीटर हो जाएगा, 12.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपको जो है एक ड्राइंग मिलेगी, इस तरह की ड्राइंग जो आपको ऑटोकैड के अंदर बनानी है, ये जो मेरी ड्राइंग है सेंटर लाइन वाली ड्राइंग जो अपने पास होगी। ठीक है, इससे आपको देख के देखना है और इसमें देखना है कि कितने तरह की फुटिंग्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, दो तरह की फुटिंग इसके अंदर है, एक F1 और एक F2। ठीक है, तो F1 और F2 फुटिंग का जो साइज है वो क्या होगा, आपस से मैं नोट्स पे आ जाता हूँ एक बार। ठीक है, F1 और F2 फुटिंग का जो साइज है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग के अंदर। ठीक है, F1 फुटिंग जो है इसका साइज है 1.8 बाय 1.8। ठीक है, और दूसरा जो है F2 फुटिंग का साइज है 1.5 बाय 1.5 mm के अंदर, 1500 बाय 1500 mm। ठीक है, अब ये वो जो साइज है ये डिसाइड कैसे होता है, एनी आइडिया? ये साइज जो होगा वो आपको CPWD के नियम से डिसाइड करना होगा। ठीक है, और कुछ आपको ये देखना होगा कि ऊपर से, सॉरी, ठीक है, एक तो आपको इसमें CPWD के जो नियम है वो देखना होगा और एक आपको आपके फुटिंग का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सकेवेशन करना है ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, अब जो है मेरे को ये बताओ पहले कि एक्सकेवेशन जो है वो करते क्यों है, एक्सकेवेशन की क्या, क्योंकि हाँ एक्सकेवेशन की क्या नीड रहती है भाई? मैं वहां पे एक्सकेवेशन फुटिंग जो डाल है, रही हूँ। अभी जो मैंने बात की है वो सिर्फ ये की है कि एक्सकेवेशन करना क्यों है। एक्सकेवेशन करना इसलिए इसलिए है क्योंकि अपने को वहां पे फुटिंग को डालना है। ठीक है, तो फुटिंग के साइज के बेसिस पे उसका अपने साइज डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और साइज कितना डिसाइड करना है ये CPWD के नियम के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब एक्सकेवेशन अपने करते क्यों है, कोई भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सकेवेशन क्यों करते हैं? फुटिंग डालने के लिए मीन्स आपको इसको अच्छा जो नॉर्म्स है उसमें है कि आपको 1.5 मीटर इसको नीचे लेके जाओगे। ठीक है, फुटिंग को तो 1.5 मीटर नीचे लेके जाने से जो है क्या होने वाला है, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ओवर टर्निंग का रिस्क खत्म हो जाएगा। और बताओ, आप एक खाली ग्लास ले लो, ग्लास को पूरा मिट्टी से भर लो। ठीक है, देन उस ग्लास के ऊपर मैं कोई पैन रखता हूँ, इस तरह से जो ग्लास मेरा मिट्टी से पूरा भरा हुआ है उस पैन को मैं एक तो यहाँ रखता हूँ उसके सरफेस लेवल पे, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसको मैं ज़्यादा अंदर डाल देता हूँ। अंदर ठीक है, हालांकि पैन जो है वो यहाँ पे अटकेगा, वो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे अटक रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है और क्या बेनिफिट है कि एक्सकेवेशन अपने को क्यों करना है? कई बार एक्सकेवेशन अपने इस डेप्थ करते हैं तो जहाँ पे अपने को हार्ड स्टेटा मिले, ऊपर वाला जो स्टेटा है वो सॉफ्ट है, नीचे थोड़ा सा हार्ड स्टेटा मिल जाए इसलिए करते हैं। हार्ड स्टेटा मिलेगा उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी, लाइक बियरिंग, फाइल में हो सकता है बियरिंग टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी। यस ठीक है, तो फुटिंग करते क्यों है इसमें तो अब कोई भी डाउट मेरे हिसाब से किसी को नहीं होना चाहिए, सारी चीजें मैंने बता दी फुटिंग को क्यों करते हैं। अब फुटिंग किस साइज की करनी है, सॉरी एक्सकेवेशन किस साइज का करना है ये फुटिंग के साइज पे डिपेंड करेगा। फुटिंग का साइज जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर सारा उसका डिटेल निकलेगा,
वो आने आगे आने वाले कोर्सेज में अपन वो चीज़ कवर करेंगे कि बुकिंग का साइज निकला कैसे है। अभी तो सिर्फ आपको जो है प्लान प्रोवाइड कर दिया गया है ऑटोकैड का, और आपको इस पर देख के और यहाँ से बस काउंट कर लेने कि कितनी फुटिंग्स है, कि F1 है, कितनी F2 है, और इस हिसाब से अपने इसका कोस्टिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे पास फुटिंग हो गई F1 और F2, जिसका साइज यहाँ पे गिवन है, डेप्थ जो है वो है 1.5। ठीक है, अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फुटिंग का प्लान अलग से बनाया है और फुटिंग का सेक्शन अलग से बनाया है। ठीक है, अब मान लो ये मेरी फुटिंग है, तो जहां तक मेरी फुटिंग है उससे कितना एक्स्ट्रा मेरे को एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आप देखो। ठीक है, अगर मान लो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं एक्सकेवेशन नहीं करता हूँ तो क्या होगा, आपका जो कवर्स लगाओगे, जो शटरिंग लगाओगे, वो अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना होगा इसके लिए। ठीक है, उसके भी अलग अलग नॉर्म्स है कि कितना एक्स्ट्रा करना होगा। ठीक है, लेटेस्ट जो CPWD नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपने लिया है 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर कितना हो जाएगा, 300 mm, या सेंटीमीटर के अंदर बोलूँ तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी कुछ अलग अलग नॉर्म्स है, वो कुछ नॉर्म्स मैंने आगे लिखे हैं, इसलिए आज की क्लास को मैंने इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि उसमें आपको जो है नॉर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली जो अगर आपने आपके पास कोई रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई अपार्टमेंट्स है, ये आपके पास MES के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और लोकल कोई प्रोजेक्ट है, तो चलो उसमें आप PWD के नॉर्म्स भी फॉलो कर सकते हो, कुछ रफ चीज़ें भी उनमें कर सकते हो। PWD के कुछ चीज़ें हैं जो IS स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है, बट CPWD के जो नॉर्म्स है वो सारे IS 600 को पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर CPWD के नॉर्म्स लगा सकते हो, इसीलिए मैंने ये बोला था कि एस्टिमेशन अपन करेंगे वो CPWD के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब CPWD क्या बोल रहा है कि Zone 1, 2, 3 जो है अर्थक्वेक जोन, जो 1 से 3 तक है, उनमें आप ये जो है 100 mm जो है उतना मार्जिन छोड़ दो। ठीक है, और Zone 4 to 7 है, Zone 5, Zone 6, Zone 7, ठीक है, इनके लिए आपको 300 mm लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोड को अगर आप और पढ़ोगे तो उसके अंदर आप ये देखते हो नोट्स में, क्योंकि मैं लिमिटेड चीज़ें लिख सकता हूँ। ठीक है, कोड को आप और पढ़ोगे तो उसमें ये लिख रखा है कि अगर 300 mm आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हो तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस करना है वो भी उसमें लिख रखा है। हो सकता है आपका साइट का जो है लोकेशन इस तरह का हो, वहाँ पे आप नहीं ले पा रहे हो 300 mm का सब्जेक्ट, या इतना स्पेस नहीं है, कुछ भी रीज़न हो। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरली क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी इसके अंदर गिवन है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। तो फिलहाल जो अपना एग्जांपल है, जैसे आपने बताया कि आप एक अदर प्रोजेक्ट जो नोखा वाला है, नोखा वाला प्रोजेक्ट जो है कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों है ना, उसमें नीचे जो है शॉप्स वगैरह है, ऊपर एक अलग रेजिडेंशियल का है, तो उसके अंदर उस प्रोजेक्ट का उस साइट लोकेशन के हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये जो है फुटिंग का जो है अपने को कितना एक्स्ट्रा जो है एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, अब फुटिंग जो मेरा है इस ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसका लेंथ और विड्थ जो है वो कितने लेना है, फुटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी लेनी है। देखो, एक कॉमन टर्म यहाँ पे लिखी हुई होती है NGL, जिसको बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, इससे अपने को जो एक्सकेवेशन करना है वो 1.5 मीटर पे करना है। ठीक है, अब 1.5 मीटर तक करते हो तो ठीक है कि आप 300 mm को ले लो। अगर 1.5 से ज़्यादा है तो देखो, मैंने यहाँ पे नोट्स में लास्ट में मैंने लिख ही दिया है कि एज पर लेटेस्ट CWD नॉर्म्स क्या है, 12 जो है 2.11 1.1 के अकॉर्डिंग, इन केस ऑफ ओपन फुटिंग्स अप टू द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, तब तक तो आप 30 सेंटीमीटर लो। अगर फुटिंग और स्लैश राफ्ट फाउंडेशन है तो, और उसमें जो अपने को अगर डेप्थ जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा है, तो एक्सकेवेशन आपको 75 सेंटीमीटर तक भी करना पड़ सकता है। 75 सेंटीमीटर दोनों साइड से, चारों साइड से एक्स्ट्रा आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, और इसके नीचे इन्होंने एक और कंडीशन लिखी है, ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें ये है, एडिशनल एक्सकेवेशन, इससे ज़्यादा अगर आपने जो भी एक्सकेवेशन किया तो उसका जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, वो फिर आपके खर्चे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एडिशनल एक्सकेवेशन बियॉन्ड दिस लिमिट, मैंने एग्जैक्ट वही लैंग्वेज लिखी है जो कोड के अंदर है। ठीक है, एडिशनल एक्सकेवेशन बियॉन्ड दिस लिमिट शैल बी एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड शैल नॉट बी मेजर्ड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो आप एक्चुअली जितने प्रोजेक्ट्स देखोगे और जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप चीज़ों को और ज़्यादा समझते जाओगे। ठीक है, आप लोकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ की जो लोकल बॉडी है PWD जो है उसके हिसाब से आप नॉर्म्स को फॉलो करते हो। ठीक है,
अब कहीं पे आप देखोगे कि ब्रिक्स का वक्त चल रहा है, कहीं पे जो वक्त चल रहा है स्टोन के अंदर वक्त चल रहा है, ठीक है, किसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे तो ब्रिक का ही वर्क होना चाहिए, यहाँ पे स्टोन का वर्क होना चाहिए, पर्टिकुलरली कोई और प्रोजेक्ट तो वहाँ पे और कुछ वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोड को जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे, मान लो अभी एस्टिमेशन कोस्टिंग को मैं एग्जाम्पल के साथ ले रहा हूँ, बट कितने एग्जाम्पल एक साथ ले सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक एग्जाम्पल को एक साथ ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बता दिया कि इसके लिए अपने को जो चाहिए एक्स्ट्रा जो एक्सकेवेशन है वो चारों तरफ जो है 300 mm मेरे को करना है, बाकी कुछ जजमेंट जो है आपको कोड पढ़ के और कुछ जो है साइट विजिट करके फिर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हाँ 100 mm से 300 mm नॉर्मली इतना तो रहेगा ही, इतना तो करना पड़ेगा आपको, वरना से तो आप फिटरिंग करोगे कैसे, है ना। और डेप्थ मेरी जो हो गई वो 1.5 मीटर हो गई, ठीक है। तो कल तक वाले क्लास के अंदर अपन ने क्या किया था कि ओनली साइट क्लियरेंस किया था पूरा, आज अपन ने क्या है साइट पे यहाँ पे ये F1 और F2 साइज के गड्ढे खोद दिए, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो F1 और F2 दो फुटिंग है अलग अलग साइजेस की, तो अलग अलग साइजेस के हमने गड्ढे खोद दिए हैं साइट के ऊपर, ठीक है। एकदम मैंने डायग्राम को इतना सिंपल बनाया है, मैं चाहता था आपको इस डायग्राम से भी काफी चीजें को एक्सप्लेन कर सकता था, जो ऑटोकैड की ड्रॉइंग है, इससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता आपका, ठीक है। तो अभी चीजों को जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके देखोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इसके इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या गिवन है, देखो आप ऑटोकैड वाली ड्राइंग के अंदर ये सेंटर लाइन का पूरा प्लान गिवन है आपको, कॉलम्स की डिटेलिंग गिवन है, ठीक है। और ये वाला देखो ये चीज गिवन है यहाँ पे, जो भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ठीक है। अगर इसको सेक्शन व्यू अगर मैं इसका देखूं तो किस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का आएगा, ये इस तरह का, ठीक है। तो ये फुटिंग आपकी जहां तक हो रखी है, इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ये 300 mm है अपने, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अंदर कुछ चीजें और है, जैसे यहाँ पे जो है ये रेनफोर्समेंट वगैरह, ठीक है, इसके लिए अपना नेक्स्ट जो कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल वाला, उसके अंदर अपने पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस डायग्राम में ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना जो नोट्स में मैंने सिंपल से कुछ टर्म्स दिए आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अपने सबसे पहले साइट क्लियरेंस का काम हुआ, देन F1 और F2 साइज की जो फुटिंग्स है उसके लिए मैंने एक्सकेवेशन कर लिया, ठीक है। और उसके साइजेस जो क्या क्या लिए उसको अपने मेजरमेंट शीट के अंदर एंटर करते हैं, फिर उसको अपने एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे, मेजरमेंट शीट इन एक्सेल, ठीक है। एक्सकेवेशन मेरा पहला, मैं F1 की अगर बात करूं तो F1 मेरे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ F1 जो है वो काउंट कर लो, ठीक है। F1 जो है वो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, F2 जो है वो मैंने रेड कलर से बनाई है, तो F1 वाली जो है 4 4 4 4 16 हो गई टोटल, ठीक है, 16 16 हो गए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने हो गए F1 के, टोटल F1 साइज के जो एक्सकेवेशन है वो 16 हो गए, राइट, 16, ठीक है। तो ये 16 हो गए, और इनका इसका जो साइज है वो है 1.8, तो 1.8 प्लस 0.3 एक साइड से ऐड करूंगा, 0.3 दूसरे साइड से ऐड करूंगा, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बता रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ओनली फुटिंग लिखा है, F1 या F2 मेंशन नहीं किया, क्योंकि आप चाहे F1 लो चाहे F2 लो, दोनों में आपको क्या करेगा एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन जो करना है 300 mm करना है, तो 300 mm इधर से 300 mm इधर से, तो मीटर के अंदर वो क्या हो गया 0.3 मीटर, ठीक है। तो 1.8 प्लस 1.3 प्लस 1.3 कितना हो जाएगा 2.4। सिमिलरली विड्थ में भी, विड्थ भी मेरी सेम ही है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है मेरा इसके अंदर, तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 2.4 आ गया, ठीक है। देन इसकी डेप्थ थी 1.5। अब आपको आगे क्या करना है, देखो टोटल जो नंबर है 16 उसको मल्टीप्लाई करना है L इंटू B इंटू H से, ठीक है। लेंथ मेरी 2.4, विड्थ 2.4, डेप्थ जो है 1.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो किसके अंदर आएगा, क्यूबिक मीटर के अंदर। कोई डाउट आ रहा है,
बोलिए फटाफट से बोलिए, कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, सेकंड जो है अपना F2 जो है, F2 जो है मेरे पास कितनी है, F2 साइज की जो मैंने एक्सक्रीमेशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ जो है आइटम्स है मेरे 8 हैं। ठीक है, उनका जो साइज है F2 का इस टेबल से मैं देखूंगा। ठीक है, ये टेबल मेरे को यहाँ पे भी दी हुई है, और आप जो ऑटोकैड का जो प्लान है इसके अंदर भी आपको दी हुई है। ठीक है, ऑटोकैड में अपन ये प्लान जो है वो भी रेडी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे फुटिंग का जो है एल दे रखा है 1800, विड दे रखा है 1800, और F2 के लिए दे रखा है 1500 1500। ठीक है, अगर आपको कोई भी यूनिट मेंशन नहीं है, ठीक है, नॉर्मली CPWD के अकॉर्डिंग जब आप काम कर रहे हो और कोई भी किसी का भी यूनिट अगर मेंशन नहीं है तो उसको MM ही लेना है आपको। ठीक है, अगर मीटर होगा तो वो मीटर मेंशन कर देगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो MM के अंदर ही है। राइट, अब वापस अपने चलते हैं नोट्स पे। अब मैंने F2 का भी जो है कंप्लीट वॉल्यूम निकाल लिया कि F2 के अंदर मेरे को कितनी एक्सक्रीमेशन करना है टोटल, वो आ जाएगा ये, और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो टोटल मेरी एक्सक्रीमेशन क्वांटिटी आ गई कि मेरे को टोटल एक्सक्रीमेशन कितना करना है। ठीक है, तो नोट्स के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है तो अभी तक जो पढ़ा है उसके रिलेटेड, क्योंकि अब अपने जो काम करेंगे नेक्स्ट वो कर रहे हैं फिर ये जो सारा जो भी अपने फुटिंग से रिलेटेड डाटा बनाया है उसको एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे। बताइए सिंपल लग रहा है अभी तक? नोट्स मैंने इतने ज्यादा सिंपलीफाई करके बनाए, इससे ज्यादा आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता है और कोस्टिंग को समझने के लिए। ठीक है, आपका जो है मैंने अलग अलग रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या क्या पहले से बता रखा है उनमें, क्या क्या चीजें बेटर नहीं है, मेरे हिसाब से ये सबसे बेटर तरीका हो सकता है एस्टिमेशन को समझाने का, क्योंकि आप नॉर्म्स को भी साथ साथ फॉलो करते रहें और उसके कुछ जो है डायग्राम्स भी उनके बनाते रहें तो माइंड में एक प्रॉपर आपकी जो इमेज है वो क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं एक्सेल के अंदर इसका डाटा जो इनपुट करता हूँ। कल अपन ने एक एक्सेल शीट बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट शीट है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कल एक्सेल शीट तो बनाई थी वो आपने बना के देखी, उसमें कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर। ठीक है, तो इतनी शीट अपन ने बना ली थी, तो फाउंडेशन का अपना वर्क चल रहा है। फाउंडेशन के अंदर कल पहला काम मेरा हो गया था साइट क्लीनिंग का, अब दूसरा काम मेरा हो रहा है एक्सकेवेशन का। ठीक है, एक्सकेवेशन के अंदर मेरे पास दो तरह की फुटिंग्स है, पहली जो मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 और दूसरी जो है F2। ठीक है, अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो अलग अलग तरह साइजेस की फुटिंग्स क्यों ली है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया तो आगे आने वाली क्लासेस में मिलेगा, और या अगर आपके साइट पे हो तो आपको हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट करो और आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग से रिलेटेड लग रहा है कि इसमें कुछ गलती हो सकती है तो एक बार स्ट्रक्चर इंजीनियर से दोबारा आप मिल लो, पूछ लो कि अगर कोई गलती है, क्योंकि एक बार एक्सकेवेशन हो गया ठीक है उसके बाद फिर चेंजिंग करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि F1 और F2 जो भी आपके पास ड्राइंग्स आई हैं आपने उसको पूरा रीड कर लिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना एक्सकेवेशन तो नहीं होना चाहिए या इस तरह से कुछ भी है तो एक बार आप कंसल्ट जरूर कर लो। ठीक है, एक्सकेवेशन एक्चुअली एक जो है जब फिजिकली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ड्राइंग में चेंजेस करना तो आसान है बट फिजिकली जब आपका काम स्टार्ट एक बार हो जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको कहीं पे भी लग रहा है कोई डाउट है, ठीक है ड्राइंग से जैसे ये मैंने ऑटोकैड वाली जो ड्राइंग दिखाई थी इससे रिलेटेड आप कहीं पे भी लग रहा है कि यहाँ पे दो तरह की फिटिंग्स हैं, ठीक है तो दो तरह की फिटिंग्स क्यों हैं? ठीक है इसके इसका इसका आंसर तो जैसे जैसे आगे आने वाली क्लासेस में मिलूंगा जब स्ट्रक्चर पे अपने बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें दो तरह की फिटिंग्स हैं। अगर आपको किसी में कोई डाउट लग रहा है कि ये फिटिंग जो है इतना साइज इसका नहीं हो सकता है या आपको ज़्यादा लग रहा है या ऐसा किसी प्रोडक्ट में देखा नहीं है कितने गलती से बना दिया हो, ठीक है तो आप एक बार जो है स्ट्रक्चर से जरूर कंसल्ट कर लो, स्ट्रक्चर इंजीनियर से जरूर कंसल्ट कर लो एक बार वर्क स्टार्ट करने से पहले। फुटिंग का साइज कॉलम साइज पे भी तो डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करेगा, कॉलम साइज पे ही डिपेंड करेगा कि फुटिंग का साइज कितना लेना है और फुटिंग साइज पे ही डिपेंड करेगा कि एक्सकेवेशन अपने को कितना करना है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एक्सेल की। ठीक है, एक्सेल में मैंने F1 और F2 पुट किया। F1 का जो है नंबर ऑफ आइटम्स वो कितना हो गया 60,
16। ठीक है, उसके बाद लेंथ जो है वो कितनी होगी? अब इसमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को, इक्वल्स टू, ठीक है, फुटिंग का जो लेंथ है वो है 1.8 8 प्लस प्लस का फाइन, देन 1.3। 1.3, हाँ, देन 1.3 प्लस 1.3, ठीक है, देन आपको एंटर प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। देन नेक्स्ट, इसके अंदर भी आपको वही करना है, इक्वल्स टू, सेम साइज है 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ठीक है, देन एंटर प्रेस करना है। ये भी 2.4 आ गया। डेप्थ जो है वो मेरी 1.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे कल अपन ने किया था वही सेम चीज करेंगे, इक्वल्स टू, देन लेफ्ट क्लिक इस पे, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, देन लेफ्ट क्लिक, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन लेफ्ट क्लिक विड्थ पे, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन डेप्थ पे, ठीक है, देन जैसे एंटर करोगे ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यूनिट अपन ने लिखी थी लास्ट में स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इसके अंदर यूनिट हो जाएगी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर। अब F2 की बात करते हैं, तो F2 के अंदर मेरे नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो है 8, ठीक है, इसका मेरा साइज है 1.5, यानी इक्वल्स टू लगाएंगे पहले, इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, एंटर, नेक्स्ट यही कॉपी करना है, इक्वल्स टू 1.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, एंटर, ठीक है, देन डेप्थ आपके वही फिक्स है 1.5। यहाँ पे भी मेरे को वही सेम फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया आपने पहले, देन लेफ्ट क्लिक मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, देन लेंथ पे क्लिक किया लेफ्ट क्लिक मल्टीप्लाई, विड्थ पे क्लिक किया देन मल्टीप्लाई, देन डेप्थ पे क्लिक किया मल्टीप्लाई, नहीं लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई हो गया, एंटर, ये आपका निकल गया 52.92, ठीक है। अब ये सेम चीज अगर आप चाहो तो इस सेल को यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो, और नीचे भी इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ तो यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कैसे करूंगा, उसका एक तो तरीका ये वाला है जो भी अभी तक अपन कर रहे हैं फॉर्मूला बना के, ठीक है, और इसकी क्या शॉर्ट कमांड है ये मैंने यहाँ नोट्स के अंदर लिखी है। देखो यहाँ पे आप जैसे इस मेजरमेंट शीट के पास आओगे, मेजरमेंट शीट के जस्ट नीचे मैंने लिखा है कि एक्सकेवेशन जो क्वान्टिटी है मेरी, ठीक है, 191.16, ठीक है, ये अब इन दोनों को मेरे को ऐड करना है। तो लेफ्ट वाला जो ऑल्ट है आपके लैपटॉप में क्या है, दो ऑल्ट बटन होंगे, ठीक है, एक होगा लेफ्ट के अंदर एक होगा राइट के अंदर, तो लेफ्ट वाला ऑल्ट अपने को काम में लेना है, प्लस साथ में तो आपका प्लस का साइन भी है, कुछ लैपटॉप में दो दो होते हैं प्लस के साइन, कुछ लैपटॉप में एक होते हैं, ठीक है, जिनका लैपटॉप जो है विड्थ में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, उसमें दो साइन होंगे प्लस के, उसमें एक होगा, तो अपने को ये वो वाला काम में लेना है जिसके नीचे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला ऑल्ट प्लस ये वाला मैं प्रेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे पहले इसको रख लूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, देन प्रेस किया ऑल्ट प्लस, देन ये ऑटोमेटिकली सम कर देता है पीछे वाली दो रोज का। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, ये देखो मैं चाहता हूँ दो से ज्यादा अगर करना, यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू होती है, यहाँ कोई वैल्यू होती है, तो जितना भी होता है उसका सम कर लेता है, ठीक है, अभी ऑटोमेटिक इसने दो का सम कर लिया, ठीक है, देन आपको एंटर प्रेस करना है, तो इनका जो है टोटल आ गया 191.16, ठीक है। अब ये जो मेरा टोटल आया है वो मेरा एक्सकेवेशन की कंप्लीट टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे जो मेरी है ये चार जो शेल्स हैं इनको मैं चाहता हूँ ये एक साथ मर्ज हो जाए, जिससे मैं यहाँ पे कुछ राइट डाउन कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके और सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये वाला देखना, ये वाला नया ऑप्शन है आपके लिए, नई चीज है, यहाँ पे आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये वाली चारों शेल्स जो है वो आपस में मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को लिखना है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक प्रेस किया,
देन टोटल एक्सकेवेशन क्वांटिटी, और इसको मैं ज्यादा क्या कर देता हूँ, अगर आप इसको एक कलर भी देंगे जैसे आपको पता चल जाएगा ये टोटल वाला डाटा है मेरा, टोटल एक्सकेवेशन क्वांटिटी इतनी आ गई, ठीक है। तो एक्सकेवेशन का जो रेट चल रहा है क्यूबिक मीटर पे, उसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है फाइनल एक्सकेवेशन में कितना खर्चा होने वाला है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपके आप दो तरह का जो है कॉस्टिंग अभी निकाल सकते हो कि साइट क्लीनिंग में मेरा कितना खर्चा होने वाला है और एक्सकेवेशन में कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सैंड फिलिंग, ठीक है। सैंड फिलिंग आज नहीं करेंगे, कल के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ सैंड फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में ये मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ जैसे सैंड फिलिंग से रिलेटेड, और इससे नेक्स्ट आएगा पीसीबी, उससे रिलेटेड जो चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लो, इनमें क्या नोट्स चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में क्या है, ठीक है। और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से वहाँ के पीडब्ल्यूडी कोड्स जो है अलग अलग है। पीडब्ल्यूडी कोड्स कई जगह आईएस स्टैंडर्ड को फॉलो करते भी हैं, कई जगह नहीं भी करते, ठीक है। बट सीपीडब्ल्यूडी का जो कोड है वो आईएस स्टैंडर्ड को पूरा पूरा अच्छी तरह से फॉलो करता है, ठीक है। तो आप मोस्टली उसी को ही फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ये भी प्रॉब्लम है कई बार आप क्या होता है कोई पुराना वीडियो देख लेते हो कहीं से यूट्यूब से, और फिर आप बोलते हो कि इसके अंदर तो जो है एक्सकेवेशन जो आपका 1.01 मीटर कर रखा है, तो सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स भी जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट जो नॉर्म्स है वो आपको लेना है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया है जो लेटेस्ट नॉर्म्स है अभी तो मैंने वो कॉपी के अंदर ही नोट डाउन कर दी है, तो आपको कहीं से भी बाहर से कुछ अभी देखने की कोई जरूरत है नहीं। अभी आप जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको समझ देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने को कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब अभी तक में आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट आ रहा है तो वो मेरे को बता दो, उसके बाद मैं 2-3 मिनट के अंदर आज की क्लास में जो भी हुआ उसका पूरा मैं समराइज कर देता हूँ। पहले आप जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है शायद। ठीक है, तो आज वाली क्लास के अंदर मैं समराइज कर देता हूँ क्या था। सबसे पहले अभी अपना जो वर्क चल रहा है फाउंडेशन के लिए, जो भी अपने को कॉस्ट निकालना है उसका काम चल रहा है, ठीक है। फाउंडेशन के लिए अपने कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कल अपने साइट क्लियरेंस का पूरा कॉस्टिंग कैसे निकाला वो किया, और आज जो है एक्सकेवेशन वर्क के बारे में बात चल रही है, ठीक है। उसमें इस तरह से जो है अपन ने सबसे पहले ये एक्सकेवेशन करना होगा। दो तरह की फुटिंग्स है मेरी F1 और F2, तो उसके अकॉर्डिंग दो तरह के एक्सकेवेशन साइजेस अपने को पास होंगे, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग, यहाँ पे ये आपको शेड्यूल मैंने इसके अंदर बना दिया है, ठीक है। ये मैंने कहाँ से बनाया है ये आपको ऑटोकैड की ड्राइंग साइट पे प्रोवाइड होगी, ये इसे देख के आपको बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फ्लोर प्लान जो है ये मैंने इस तरह से दिखा दिया है, यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन अपने को कितना कितना करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो सीपीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिख दिया है कि जोन 1 से जोन 3 तक कितना चलेगा अपना, जोन 4 से जोन 7 तक कितना चलेगा, और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको स्ट्रक्चरली क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना है। तो साइट पे जाने के बाद चीज़ों में जो है कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ कोड के नॉर्म्स को आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते, तो कोड में भी लिखा है फॉलो कर पाते हो तो आपको क्या करना है, नहीं कर पाते हो तो आपको क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो उनको आप जो है लेटेस्ट जो भी नॉर्म्स हैं उनको पढ़ते रहिए, वो सबसे बेटर तरीका है कि आपका नॉलेज जो है वो अपडेट रहेगा, ठीक है। कोड नंबर कौन सा है? यस, कोड नंबर कौन सा है? आप डायरेक्टली सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो। आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो उसमें पढ़ते हो ना, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ते हो वो अलग चीज है, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स है वो सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको मेरे को मैसेज कर देना अगर आपको नहीं मिले तो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो मेजरमेंट शीट है ये मैंने यहाँ पे रफ के अंदर बनाई है, और फिर अपन ने इसको एक्सेल के अंदर बनाया है, ठीक है। और सीपीडब्ल्यू के जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो नॉर्म्स है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दी है, ठीक है, फुटिंग के लिए कुछ। और उसके बाद आपको
एक्सेल के अंदर अपन ने सारे डाटा को इनपुट कर लिया है, ठीक है। एक्सेल के अंदर डाटा जो है आप किसी में भी कुछ भी मान लो, कुछ F1 फुटिंग में कुछ चेंज होता है, F2 में कुछ चेंज होता है, तो इसमें एक फॉर्मूला बन चुका है, वो ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई कर लेगा, ऑटोमेटिकली इसमें जो भी है वो चेंजेस कर लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को खत्म करें या और कुछ पूछना है? सर, वो आपसे क्वेश्चन, वो कल आपको मैसेज किया था सर, एस्टिमेट में क्या मैसेज डाला था? मतलब सर, जैसे कोई अगर वो जो क्वेश्चन है ना, वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, वो वाला अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला कंटेंट जो है सबके लिए कॉमन कंटेंट है एक बार, ओके। उसके अलावा आज वाली क्लास से रिलेटेड या कल वाली क्लास से रिलेटेड तीन जो क्लासेस हुई है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप डिस्कस कर लो पहले। नहीं सर, चलो ठीक है, तो क्लास को करें ओवर। यस सर, चलिए ठीक है।